हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आज अपना वीडियो का कल एग्जाम था और आज है, तो कल के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या जो हमने क्या अपना टारगेट रखा था कि यूपी ट्रिपल एस सी के आप किसी भी एग्जाम में बैठते हैं तो 45 प्लस जो है आपको क्लास से दिखाएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। और दूसरी बात, ए जी टी ए क्या प्रोसेस अभी तक रहा है उसको करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखिए कहने मतलब जो है, अगर जो मित्र क्लास देख चुके होंगे तो उनको पता हो गया होगा कि हमारा जो है हिंदी जो है 50 में से कितना फंसा है, 45 फंसा है। इसको आपको जो है सारी क्लास का और जो क्लास का और क्वेश्चन का दोनों का पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा, किस क्लास नंबर से, किस क्लास से कितने कितने क्वेश्चन बने हुए हैं। लगभग जो है किसी की क्लास से 2 क्वेश्चन बने हुए हैं, किसी क्लास से 1 क्वेश्चन बना हुआ है और किसी क्लास से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। और जो कुछ नोट्स जो है एजीटीए के लिए और जो है वीडियो के लिए जो ग्रुप में टेलीग्राम ग्रुप में भेजे थे, वहाँ से भी 1 पेज से 3 क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे कि आप ज्योग्राफी का जो भेजे थे, आपने देखा कि 3 क्वेश्चन बना था, 1 असम में और गारो खासी जनजातियाँ और 1 जो है मिश्री जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है। हमने क्या बताया था, जब पूर्वोत्तर के पहाड़ियों के बारे में बताया था तो आप बताया था कि नहीं, कि जो जो पहाड़ियां उन्हीं के नाम से, जो दर्रे हैं उन्हीं के नाम से वहां की जनजातियों का नाम भी रखा गया है। तो जो क्लास किए होंगे उनको सारी चीजें बता होगी। अब हिंदी की बात करते हैं, हिंदी में 50 क्वेश्चन जो है, सारे क्वेश्चन 45 क्वेश्चन जो है आपको क्लास से ही देखने को मिला है। ठीक, तो अब देखिए, अब कुछ के मन में आ रहा है सर कहाँ मिला है, जो पढ़े नहीं होंगे, जो क्लास नहीं देखे होंगे और जो नोट्स नहीं मतलब जो नोट्स परचेज किए थे, उसके अलावा जो लोग हैं जो नए जुड़े होंगे तो स्वाभाविक बात है तो उनको देखना जरूरी है। तो उनके लिए ये वीडियो बनाए हैं कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो कहा था वो पूरा हुआ। सबकी तरह नहीं है, कुछ लोगों की तरह नहीं है कि बोले कि अब खुद को कहें कि यूपी का नंबर वन, यूपी की नंबर वन से कुछ लोग बोलते हैं कि यूपी का नंबर वन है जो है, हम जो है यूपी के बेस्ट टीचर से आपकी क्लास करवाएंगे, वो क्लास कहाँ तक रहेगी अभी तक आपको देखने को यूट्यूब पे नहीं मिला। तो ऐसे झूठे लोगों से जो है नहीं, झूठा जो है आश्वासन जो है आप लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। मेन चीज जैसे कहना, एक कहना जितना आसान होता है कहना, उससे ज्यादा जो होता है टफ होता है करना। तो आप क्लास हिंदी की क्लास देख लिए होंगे कि कितनी बाधाएं आती हैं, जैसे कि लाइट का इशू होता है, लाइट कट जाती है फिर आता है, कभी कभी स्टोरेज की प्रॉब्लम आ जाती है तो वीडियो रिकॉर्ड करके जो है आधे घंटे तक बोलो लेकिन रिकॉर्ड नहीं होता, दोबारा बनाना पड़ता है क्लास, तो सारी समस्याएं आती है। वही इसीलिए कहते हैं कि लेकिन क्या है, अगर जज्बा है, दिल में जज्बा रखे हैं आप, तो आप किसी भी चीज को करना चाहते हैं तो कर ले जाएंगे आसान तरीके से, उसमें भटकना नहीं है। अब बात आती है जो मैप की क्लास हिंदी में बताए थे कि जैसे विश्व भारत कला भवन हुआ और भारतीय भवन संग्रहालय कहाँ है, तो एक प्रयागराज में है इलाहाबाद में और भारत कला भवन जो है अपने जो है बीएचयू में। हमने क्या बताया था, आइए घुमाएंगे क्लास में, जो देखा होगा सब सारी चीजें याद हो गई। भिखारी शब्द हमने बोला था कितने प्रकार के होते हैं, 4, कौन कौन से थे होते थे, सारी चीजें एकदम क्लास से बताए थे। हो बहु जो है ऑप्शन भी आपके जो है, अगर 4 ऑप्शन है, समश्रुति भिन्नात्मक जो है 13 मिनट की क्लास थी, वहां से जो है दोनों शिफ्ट मिलाकर के 4 क्वेश्चन बने हुए सेम के सेम वही से ऑप्शन। हमने क्या बोला था कि हम उतना ही देंगे जितना आपको जो है परीक्षा के दृष्टि एनालिसिस करके देंगे, ताकि जो है आपका वहां से जरूर फंस जाएगा, ये था। और इसी बात अब रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में क्या होता है कि जैसे कि हमने नॉन वर्बल में पढ़ाया, जो पढ़ाया है मैंने, वो अभी कुछ टॉपिक थे बचे हुए थे जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन, तो जो पढ़ाया है उसमें से अब डायरेक्ट आपको देखने को मिला है। देखिए क्वेश्चन तो सेम तो नहीं मिलता लेकिन टाइप जो है आपको जरूर देखने को मिलता है, इसीलिए रीजनिंग का सीखने का यही तरीका होता है कि पहले आपको टाइप उसके बारे में टाइप पता होना चाहिए, इसके बाद आप खुद स्वयं जो है जान जाएंगे। तो इसके बाद हमने क्या बोला था, बेन आरेख में जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है इस टाइप का, जैसे कुछ जो है एक कक्षा में 50 लोग हैं, ठीक है 50 लोग हैं और 12 संस्कृत जानते हैं, 12 अंग्रेजी जानते हैं, गणित जानते हैं, 10 कुछ इसमें दोनों जानते हैं, तो बताइए कितने कितने लोग हैं जो कुछ नहीं जानते हैं। ये क्लास बनाए थे, अगले क्लास में आज की या तो इसी शिफ्ट में या तो सेकंड शिफ्ट में आज की क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा।
तो ये रहा रीजनिंग का प्रोसेस। रीजनिंग में क्या होता, और हमने जो बेसिक फैक्ट बताया था कि जैसे कथन तर्क को कैसे करना है, कथन पूर्वधारा को कैसे करना है, कथन आर्गुमेंट को कैसे करना है, कथन निष्कर्ष को कैसे करना है, आपको सबसे कम समय में सबसे बेस्ट देने का अपनी तरफ से मेरा जो बेस्ट था मैं आप लोगों को दिया। ठीक, तो ये रहा मतलब रीजनिंग में भी जैसे टाइम आप मैनेज कर लेंगे तो हो जाता है। तो अब मेन चीज जीके में आती है। जीके में हमने क्या बताया, पढ़ाया पॉलिटी, पढ़ाया पॉलिटी से आप देखेंगे डायरेक्ट जो संविधान की लिखावट किसने कहा, लिखावट का कार्य किसने कहा किया था, प्रेम नारायण बिहारी रायजादा ने। प्रस्तावना में लिखावट किसने कहा था, जो नोट्स लिए होंगे या जो क्लास देखे होंगे तो उनको पता हो गया होगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन आए थे पॉलिटी हमने पढ़ा था, जियोग्राफी से जो पढ़ाया था, वर्ल्ड जियोग्राफी हमने नहीं पढ़ाया था, तो वर्ल्ड जियोग्राफी के बारे में हम नहीं जानते, मतलब हम नहीं कह सकते। यूपी जो भारत की वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाए थे तो वहां से क्वेश्चन आपको देखने को एक ही पेज से, मतलब पहले शिफ्ट में तीन क्वेश्चन देखने को मिला है, सिर्फ एक पेज में जो आप लोगों को दिखाए थे। और जो क्लास देखे होंगे दक्षिण भारत की पूर्वी सबसे पूर्वी जो है पूर्वी तट की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या हमने बताया था, महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम कौन सा, अन्ना मनाई पे अन्ना मुदी है। ठीक है, इसके बाद और क्या है, दोदा बेटा है। ठीक, तो ये सारी चीजें जियोग्राफी में हमने बताया था। मेन चीज दोस्त, एक जब विश्वास होता है किसी के प्रति, विश्वास होता है और एक काम करने के प्रति जो है एक लगन होती है, तो काम जो होता है एक आसान तरीके से हो जाता है। आप लोगों ने जो विश्वास बनाया है उस विश्वास पे हम खड़े उतरेंगे, और जो वादा किया था आपसे कि हिंदी पूरा कराएंगे, हाँ, तो वीडियो में जो तीन टॉपिक हमने नहीं कराया था अलंकार उसका, लेकिन नोट्स दिया था सेम का सेम, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे, अलंकार था, रस था, छंद था, तीन टॉपिक नहीं कराया था दोनों, और जो नोट्स दिए थे वहाँ से क्वेश्चन सेम के सेम फंसे हुए हैं। तो अब बात यह है, आप लोगों को घबराइएगा नहीं, 45 बोले हैं, 45 क्वेश्चन आपको दिखाएंगे पीडीएफ बना करके। ठीक है फ्रेंड, आज की शिफ्ट हो जाएगी तो इसके बाद जो है आपको दिखाएंगे। मेन चीज अब अपना है एजीटीए का लेटेस्ट न्यूज, एजीटीए के लिए आप जानते ही है, अभी तक जो है यूपीपीएससी से अभी जो डाटा विसंगति थी उसको कह रहे हैं कि अभी फीडिंग के लिए जो है टाइम लग रहा है, तो उसके लिए जो भी अपडेट आती है उसके लिए करेंगे। अब मेन चीज क्या होता है, अब आपको करना क्या है, एग्रीकल्चर की बात करना है, आपको एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा। कुछ लोगों का मित्र का हमारे जो है वीडियो के एग्जाम में लगे हुए थे, अब आप क्या करेंगे, देखिए हिंदी आपका कंप्लीट तैयार है, रीजनिंग कंप्लीट तैयार है, जीएस कंप्लीट तैयार, आपको सिर्फ क्या पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है। ठीक है, इधर उधर की मत सोचिएगा कि हम परेशान होंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, परेशान नहीं होना है, आपको सिर्फ क्या करना है, एग्रीकल्चर दबा के पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ लोग कमेंट करेंगे सर एग्रीकल्चर क्या, कुछ नहीं सोचना है दोस्त, अगर सीट लेना है, एक सीट पक्की करना है, तो एग्रीकल्चर को अभी से बढ़ा के, अब क्या इसको थोड़ी ना पढ़ना है, तो कंप्लीट कर लिए हैं आप लोग, तो आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, आज की क्लास यही रखते हैं, मिलते हैं, चारों शिफ्ट का आ जाएगा, तो इसके बाद चारों शिफ्ट का एक एनालिसिस करके उसका पीडीएफ बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत 200 क्वेश्चन हिंदी के हो जाएंगे और 200 क्वेश्चन रीजनिंग के, 200 क्वेश्चन जीएस के हो जाएंगे, तो उसको बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं प्रयास करूंगा कल या परसों तक उसको जो है आप लोगों के साथ जो है मेहनत, अपनी मेहनत तो और आप लोगों का जो विश्वास था उसको साझा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लास आज की यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने माता पिता का ख्याल रखना, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।